कांग्रेस को उनके लिए उतनी जगह भी बनानी पड़ेगी और उस हद तक उदार भी बनना पड़ेगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर कांग्रेस को नसीहत देते हुए नजर आए और कहा कि कांग्रेस को थोड़ा और लचीला रवैया अपनाना होगा। अगर हम लोग एकजुट होते तो फिर यह परिणाम ऐसा नहीं आता। बताते आपको कि उन्होंने साफ तौर पर हार का कारण बताया कि सभी लोग एक साथ नहीं थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से हार हुई है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी यह कहते हुए नजर आए कि सभी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते, सभी लोग अगर सहयोग करते तो फिर परिणाम ऐसा नहीं आता। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी से भी समय है, सभी लोग अगर साथ चलते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है दिल्ली में। अब उसको लेकर भी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप वो सुने। हर चुनाव जो होता है, चाहे एक प्रदेश में हो चाहे कई प्रदेशों में एक साथ हो, उसके जो नतीजे आते हैं उसके कुछ स्पष्ट संदेश होते हैं। और ये कल जो नतीजा आया है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके 4 राज्य के तो नतीजे आ चुके हैं, उनसे भी एक स्पष्ट संदेश दिख रहा है और वो महसूस हो रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज़्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा। ये स्पष्ट संकेत है और ये भी पूरा देश जानता है कि इन चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट होकर नहीं लड़े थे। और खास तौर से हम लोगों की पार्टी यानी जदयू, या खास तौर से कहिए पूरा बिहार का जो महागठबंधन है, हम लोग शुरू से इस बात को मानते हैं और कहते रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपस की समझदारी बननी चाहिए। और ये बार बार स्पष्ट संकेत मिला है या दिखा है कि अगर सारे जो दल हैं, विपक्षी दल, एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा परास्त हो जाती है, और एकजुट नहीं रह पाते हैं तो भाजपा नहीं परास्त होती है। तो इसलिए ये सारे दलों को विचार करना होगा। और अभी 6 तारीख को जो गठबंधन की बैठक है इंडिया अलायंस की, स्वाभाविक रूप से इसमें सभी दल को खुले दिल से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और फिलहाल ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, खासतौर से 4 राज्यों में, ये आपसी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है ज़्यादा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव, कि क्षेत्रीय पार्टियाँ जहाँ भी मजबूती से हैं
उनकी मजबूत उपस्थिति और मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस को उनके लिए उतनी जगह भी बनानी पड़ेगी और उस हद तक उदार भी बनना पड़ेगा। और अभी भी ये साफ है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां जो इस गठबंधन के बनने से पहले से ही स्पष्ट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही पहल के आधार पर इसका गठन हुआ था और ये पटना से ही इसकी शुरुआत हुई थी, उसी दिन से एक बात साफ है कि हम लोग कोशिश करें कि जो एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध हम लोग का भी एक साझा उम्मीदवार हो, एक के विरुद्ध एक वाली नीति जो है, अगर हम लोग उस दिशा में आपस में सामंजस्य बैठाने में सफल हुए तो समझिए भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं है। हर चुनाव जो होता है, चाहे एक प्रदेश में हो चाहे कई प्रदेशों में एक साथ हो, उसके जो नतीजे आते हैं उसके कुछ स्पष्ट संदेश होते हैं। और ये कल जो नतीजा आया है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके 4 राज्य के तो नतीजे आ चुके हैं, उनसे भी एक स्पष्ट संदेश दिख रहा है और वो महसूस हो रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज़्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा, ये स्पष्ट संकेत है। और ये भी पूरा देश जानता है कि इन चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट होकर नहीं लड़े थे और ख़ास तौर से हम लोगों की पार्टी यानी जदयू, या खास तौर से कहिए पूरा बिहार का जो महागठबंधन है, हम लोग शुरू से इस बात को मानते हैं और कहते रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपस की समझदारी बननी चाहिए। और ये बार बार स्पष्ट संकेत मिला है या दिखा है कि अगर सारे जो दल हैं विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा परास्त हो जाती है, और एकजुट नहीं रह पाते हैं तो भाजपा नहीं परास्त होती है। तो इसलिए ये सारे दलों को विचार करना होगा। और अभी 6 तारीख को जो गठबंधन की बैठक है इंडिया अलायंस की, स्वाभाविक रूप से इसमें सभी दल को खुले दिल से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और फिलहाल ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, खासतौर से 4 राज्यों में, ये आपसी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है ज़्यादा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव, कि क्षेत्रीय पार्टियाँ जहाँ भी मजबूती से हैं
उनकी मजबूत उपस्थिति और मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस को उनके लिए उतनी जगह भी बनानी पड़ेगी और उस हद तक उदार भी बनना पड़ेगा। और अभी भी ये साफ है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां जो इस गठबंधन के बनने से पहले से ही स्पष्ट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही पहल के आधार पर इसका गठन हुआ था और ये पटना से ही इसकी शुरुआत हुई थी, उसी दिन से एक बात साफ है कि हम लोग कोशिश करें कि जो एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध हम लोग का भी एक साझा उम्मीदवार हो, एक के विरुद्ध एक वाली नीति जो है, अगर हम लोग उस दिशा में आपस में सामंजस्य बैठाने में सफल हुए तो समझिए भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं है। इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाम की घोषणा पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास और पहल से ही इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। अगर सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो फिर आने वाले समय में हमें कोई नहीं हरा सकता है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को भी नसीहत देते हुए नजर आए और कहा कि जो रवैया है उसको थोड़ा सुधार ले, उदारपन लाए, तभी जाकर कुछ हो सकेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आगे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।